हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम शुरू करने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझने वाले थे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। पिछली क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है, और एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि क्या शाहीन बाग और ये सब चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकती हैं। तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, जैसे हम कपड़े वगैरह, गंदे कपड़े जब हम लॉन्ड्रिंग में भेजते हैं, लॉन्ड्रिंग करने के लिए मतलब सफाई करने के लिए, तो जब गंदा कपड़ा जो है लॉन्ड्रिंग में जाता है तो वो साफ होके आता है। तो वैसे ही जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो काला पैसा होता है, जो जिसे गंदा पैसा कहा जाता है, मतलब गलत तरीके से कमाया गया पैसा होता है, तो उसको वो लोग लॉन्ड्रिंग करते हैं, मतलब बार बार उसकी सफाई करते हैं, उसे काले धन को वो सफ़ेद धन में बदलते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, जैसे कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स बेच रहे हैं, उसका पैसा उनके पास आ रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, मान लीजिए उसका बहुत बड़ा धंधा है ड्रग्स का। अब वो ड्रग्स के थ्रू जितना उसको पैसे मिले हैं वो सारा गलत तरीके से उसने अर्न किया है, इलीगल तरीके से अर्न किया है, क्योंकि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पता है इलीगल है। या फिर टेररिस्ट को फंड करना है हमें, टेररिस्ट जो फंड होते हैं वो अपना फंड कहाँ छुपाते हैं, तो ये जो सारी फंडिंग्स होती हैं, ये पैसे जो वो लेते हैं, एक तरीके से वो गलत तरीके से कमाए हुए पैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन पैसों को इस तरीके से लॉन्ड्री उसकी करते हैं, मतलब उसकी सफाई इस तरीके से करते हैं ताकि जब उसकी जांच बैठे, जब उसके बारे में पता लगाया जा सके, तो उसका पता ना चल पाए कि ये काला धन है। तो मान लीजिए ड्रग्स से जितने भी उसने पैसे कमाए एक व्यक्ति ने, अब वो क्या करेगा, उस पैसे को ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेगा ताकि जो काला पैसा है वो सफ़ेद दिखे, मतलब वाइट पैसा हो जाए, वो सही मनी दिखने लग जाए। मान लीजिए वो किसी अलग बैंक में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर देगा, किसी एक और बैंक में थोड़ा पैसा डाल देगा, ऐसे ऐसे करके वो पैसों को एक तरीके से वाइट में बदल देगा। मान लीजिए कहीं और इन्वेस्ट कर देगा उस पैसे को, या फिर किसी घर में पैसों को लगा देगा, घर खरीद लेगा उस पैसे से, या फिर सोना खरीद लेगा उस पैसे से। तो वो अपने पैसों को मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर देगा जिससे कि कोई भी पता लगाना चाहे, कोई भी प्रशासन हमारा पता लगाना चाहे कि ये पैसा इतना आया कहाँ से इसके पास, तो वो पता ना चल पाए और वो पैसे अपने सेफ हो जाए, उसके पैसे जो इलीगल तरीके से कमाए हैं वो पैसे वो सेफ हो जाए। तो इस तरीके से ये लॉन्ड्री करता है, मनी की लॉन्ड्रिंग इसे कहते हैं। इंडिया में इस 2002 में इसके विरोध में कानून बना कि ये जो ये है मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, इसको रोका जाए। आप लोगों ने सुना होगा कैग, वो सब घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, तो ये सारे क्या थे, घोटालों में क्या होता था कि ये जो पैसे यहाँ से मतलब लेते थे ये लोग, जो पैसे इकट्ठे करते थे वो जाके बाहर के विदेश के जितने भी बैंक होते थे ना उनमें इन्वेस्ट कर देते या उनमें जमा कर देते थे। इंडिया में पता ही नहीं चल पाता था कि इतना सारा पैसा है जो बाहर के स्विस बैंक में इकट्ठा हुआ है। जब ये भ्रष्टाचार निवारक कानून वगैरह आए, तब इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया और जब सरकारें बदली, तब पता चला कि हाँ देखिए कितना गेम घोटाला हुआ था, जो कितना बड़ा स्विस बैंक में अमाउंट रखा हुआ था, वहां पर इतना अमाउंट था कि यहाँ भारत में अगर वो पैसा होता तो बहुत विकास हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो होता है, जो काले धन होता है, जो इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा होता है, उसको वाइट मनी में बदलना ही इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसे अपने कपड़े के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम क्लोथ्स जो हैं भेजते हैं लॉन्ड्रिंग के लिए, तो गंदे क्लोथ जब हम भेजते हैं तो वो साफ होके आते हैं। तो इसी तरीके से जो गंदे पैसे होते हैं, जो गलत तरीके से अर्न किए हुए पैसे होते हैं, वो जो है उनको इस तरीके से लॉन्ड्रिंग की जाती है, हर जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो वाइट दिखे, वो ब्लैक ना लगे, वो ब्लैक मनी ना होके वाइट मनी लगे, और वो जस्टिस मतलब ऐसा मनी हो कि सही तरीके से प्राप्त किया गया मनी लगे। तो ये इस तरीके के हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और शाहीन बाग और एक और CA शायद बोला था एक लड़की ने कि ये क्या एग्जांपल हो सकता है, तो ये एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है। ये एग्जांपल्स में इनलीगल मनी होती है, मनी मतलब पैसा, गलत तरीके से कमाया गया पैसा, जो कि
उसे वो दिखाए कि ये सही तरीके से है। मान लीजिए मैंने कोई पैसा गलत तरीके से कमाया है, मान लीजिए मैंने ड्रग्स ट्रैफिकिंग की है, पैसे मैंने अर्न किए बहुत सारे, अब मुझे उस पैसे को ऐसा शो करना है कि मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और ये मेरा पैसा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं या तो किसी अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल दूंगी थोड़ा पैसा ले जाके मैं घर खरीद लूंगी या कुछ और काम में लगा दूंगी जिससे मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, बट किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये पैसा गलत तरीके से अर्न किया गया है। ये भी गलत हो जाएगा अगर मैं सारा पैसा जो मेरे पास है अगर ले जाके एक ही बैंक अकाउंट में डाल दूंगी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तब सरकार को पता चल जाएगा कि इतना सारा पैसा एकदम से कैसे किसी के पास आ गया। तो इसीलिए क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो इलीगल वाले काम करते हैं जो लोग, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं हर जगह ताकि कभी पकड़े जाएं तो उस पर शक ना हो कि ये पैसा इलीगल है। तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे अपने, जो हमारा सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आज हम दो पॉलिसीज करेंगे सोशल वेलफेयर की, जो एक है राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, और दूसरा है हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसे कहते हैं। तो इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कब आई ये वेलफेयर नीतियाँ और इनके क्या क्या लक्ष्य रहे और कैसे ये बनाई गई, ये सारे कॉन्टेक्स्ट हम अब आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना शिक्षा का अधिकार। जैसा पता है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम बनाती रहती है, लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ गवर्नमेंट बनाती रहती है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी नीति बनाती है ताकि जो जनता का भला हो सके, पूरे वंचित समुदाय को ध्यान में रखकर, प्लस पूरे जितना हमारा समाज है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, सोशल मतलब समाज के कल्याण के लिए जिस नीतियों का निर्माण किया जाता है उसे सोशल वेलफेयर नीतियाँ कहते हैं या सोशल वेलफेयर पॉलिसीज कहते हैं। तो ये पॉलिसीज किसी एक ग्रुप के लिए भी बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप या समुदाय या वर्ग, जिसे मान लीजिए महिला वर्ग हो गया या अनुसूचित वर्ग हो गया, जिसे एससी एसटी कहते कम्युनिटी समुदाय हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वर्गों के लिए भी बनाई जाती है और पूरी जनता के लिए भी बनाई जाती है नीतियाँ। तो किसी स्पेसिफिक को ध्यान में रखकर भी बनाई जाती हैं कल्याणकारी नीतियाँ और ओवरऑल जनता के लिए भी बनाई जाती हैं। तो अब आज हम जो देख रहे हैं हमारे सिलेबस में चार नीतियां हैं, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू फूड है, और हेल्थ मिशन है, और मनरेगा है। इन चार नीतियों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये हमारे भारतीय संविधान में ऑलरेडी मेंशन था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन था, बट वो जो है वो फंडामेंटल राइट जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं हम लोग, जिसका मतलब कि हमारा जो बेसिक मूलभूत राइट है अधिकार है उसमें ये शामिल नहीं था, बल्कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं, एक सेक्शन भारतीय संविधान में देखेंगे तो बड़े सारे पार्ट्स हैं, 24 पार्ट्स हैं शायद, और उसमें अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, एक से लेके पूरा पूरा मतलब इस टाइम मूलतः उसमें 395 आर्टिकल्स थे, बट अभी देखते हैं उसमें संशोधन बहुत सारे हुए हैं हमारे संविधान में, तो वो आर्टिकल्स जो है उनकी संख्या 400 से ऊपर हो चुकी है वर्तमान में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, सबसे व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, और एक ये जीवंत दस्तावेज भी माना जाता है जो कि सारे देशों के विचारों से मिला जुला हुआ हमारा संविधान बनाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो था, पार्ट फोर में मेंशन था, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नाम दिया जाता है, जिसमें उसमें आर्टिकल 45 और 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान करने की प्रक्रिया कही गई थी उसमें। मतलब जो भारतीय संविधान में हमारे पार्ट फोर में ये कहा गया, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F में ये कहा गया कि जो राज्य है
जो स्टेट है हमारा, जो पूरे इंडिया में जो राज्य हैं सारे, वो क्या करेंगे कि शिक्षा का ऐसा प्रावधान करेंगे जो लोगों के लिए सुलभ हो, मतलब आसानी से उन्हें मिल सके, और राज्य ही इसका वित्त पोषण भी करेगा, मतलब राज्य जो होगा वो इसका वित्त पोषण करेगा और ऐसा सुलभ शिक्षा का प्रावधान करेगा जो लोगों के लिए आसान हो और उसे सुलभता से प्राप्त किया जा सके। तो ये उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन था, बट इसे फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था उस समय। फंडामेंटल राइट बनाने के लिए इसका एक प्रोसीजर चला, मतलब बहुत से ऐसे बेंचेस बैठी, केसेस आए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मानव का एक मूलभूत अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ से जोड़ा जाना चाहिए, जो हमारा आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 पार्ट जो हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीवन का अधिकार है। तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार में आता है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है। तो सबसे पहले शिक्षा के अधिकार पर जो पहला आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया वो 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। तो एक राममूर्ति थे, उन्होंने अपनी एक समिति बनाई और एक रिपोर्ट बनाया कि शिक्षा का जो अधिकार है वो जो है वो मूलभूत अधिकार में आना चाहिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए। डीपीएसपी में है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं होते हैं, अभी पहले आप दो कॉन्सेप्ट समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट्स होते हैं, जो तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो मतलब कानूनी उन्हें वैधता प्रदान नहीं होता है, कानूनी रूप से वो जो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि स्टेट चाहे तो ये कार्य करे या ना करे, मतलब इस तरीके से उस पर कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि अगर स्टेट नहीं कर रहा है तो उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया होगी। वहीं जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, उससे हम उसमें जो है लीगल प्रोसीजर होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, लीगल प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। अगर मान लीजिए जितने भी अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में हमारे, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, या धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार हो, जितने भी अधिकार हमारे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे लीगली मतलब कानूनी रूप से मान्यता उन्हें प्राप्त है। अगर हमारे अधिकार का कोई हनन कर रहा है, हमारे राइट टू लाइफ का अगर कोई हनन कर रहा है, या फिर हमारे फ्रीडम ऑफ स्वतंत्रता जो स्पीचेस का राइट का अधिकार का हनन कर रहा है मान लीजिए, तो हम सीधा जाते हैं न्यायालय के पास, हम न्यायालय में जाके वो अपना एक केस दर्ज करा सकते हैं इसको लेके कि हमारे राइट का जो है हनन हुआ है। अभी स्लाइड तो मैंने चेंज ही नहीं की है, फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही है, राइट टू एजुकेशन वाली? अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, इस समय आप लोगों को राइट टू एजुकेशन शो होना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इसको समझ रहे हैं हम। तो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में, अगर हमारे अधिकारों को लेके किसी ने कुछ अगर अनुचित किया, या फिर हमारे अधिकार जो है वो अनुचित हुए हमारे अधिकारों के साथ, या हमारे अधिकारों का हनन हुआ, तो हम सीधा कोर्ट पे जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये इसको लीगली प्रोविजन मिला हुआ है कि जब हम जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर इसका किसी भी तरीके से किसी भी आर्टिकल का अगर हनन हो रहा है हमारे लाइफ में, तो हम सीधा जा सकते हैं कोर्ट में। बट वही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये चॉइस पर आधारित है, ये एक स्टेट पे इसको छोड़ दिया गया है, राज्य पे, कि राज्य चाहे तो ये कार्य कर सकता है या उसकी मर्जी है वो नहीं भी कर सकता है। तो जो शिक्षा का अधिकार था वो पहले जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन था, और अभी भी मेंशन है उसमें 45
में वो मेंशन था कि जो राज्य है वही शिक्षा के लिए वित्त देगा और ऐसे सुलभता से शिक्षा का प्रावधान करेगा जो सभी के लिए सुलभता से प्राप्त हो। तो ये राज्य के मर्जी पर छोड़ दिया गया कि राज्य चाहे तो करे या ना करे। बट फिर ये दिक्कत होने लगी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो शिक्षा जो है बहुत कम लोगों तक मिलनी शुरू हुई, बहुत से स्टेट्स ने इस पर ध्यान देना नहीं शुरू किया, बहुत से जो राज्य रहे वो पिछड़े रह गए और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो इन सब को देखते हुए 1990 में राममूर्ति समिति बनी, इसने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया शिक्षा के अधिकार पर। पहली रिपोर्ट जो थी वो 1990 में आई और कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को हमें फंडामेंटल राइट्स में लाना चाहिए, हमें मौलिक अधिकार में ले आना चाहिए, इसे रिलेट करना चाहिए हमारे राइट टू लाइफ से, मतलब जीवन जीने के अधिकार से। ये एक आम नागरिक का अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले और सबका ये अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले। तो ये पहला दस्तावेज इस समय आया 1990 में। फिर 1993 में उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, तब 1993 में एक कोर्ट में एक पिटीशन गई, उन्नी कृष्णन जेपी थे, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये थे आंध्र प्रदेश के थे उन्नी कृष्ण जेपी, इन्होंने स्टेट पे पिटीशन डाला अपने कि शिक्षा का जो अधिकार है उसे 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ले आना चाहिए और इसे फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। तो ये पहला केस बना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि शिक्षा का जो अधिकार है उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डालना चाहिए। क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, ग्रुप पे कोई लिंक भेज देगा क्या? ये बच्चे परेशान हो रहे हैं। ग्रुप पे लिंक डाल दीजिए आज की क्लास का जरा, तो इस सारे ये ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहली बार 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आना चाहिए। फिर जो है अब 21 के अंतर्गत आना चाहिए, उसमें आना तो चाहिए, बस इतना बोल के सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी उसके लिए अमेंडमेंट होते हैं संविधान में डालने के लिए, कोई आर्टिकल अगर डालना है तो, कोई अगर आर्टिकल रिमूव करना है उसमें से तो उसमें से अमेंडमेंट होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही मतलब दोनों प्रकार का है, सरल प्रक्रिया भी है उसमें और जटिल प्रक्रिया भी है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसमें बड़ी जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, कुछ चीज़ों के लिए बड़ी सरल प्रक्रिया के तौर पे उनमें संशोधन कर लिया जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दी कि इसे आर्टिकल 21 में डाल दीजिए, लेकिन अब उसके डालने के लिए अब हमें जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। अब उसे 21 में ले आना है हमें, कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो पहले से ही मेंशन है, वो मूलभूत जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसी टाइम ये मेंशन था कि जो 21 है वो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अब उसमें हमें शिक्षा के अधिकार को डालना है, तो भी कैसे होगा, ये बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसमें हमें सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा, उसके लिए संसद में बैठकें होंगी और फिर पूरा एक डेटा बनाया जाएगा, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि उस आर्टिकल 21 एक क्या ऐसा बनाए कि जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के अधिकार को ले आ सके, राइट टू लाइफ से उसे जोड़ सके, और हम ऐसी क्या क्या चीज़ें उसमें डालें। तो ये एक पूरा संशोधन की प्रक्रिया है जो चलती है बहुत लंबी। तो इसके लिए जो है तपस मजूमदार एक समिति बनी 1999 में, और इसने जो है रिकमेंड किया, अनुशंसा किया कि आर्टिकल अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 21 है, उसमें हम एक आर्टिकल जोड़ सकते हैं
उसका क्लॉज जोड़ सकते हैं 21A, एक क्लॉज जोड़ सकते हैं जिसमें हम जो है राइट टू लाइफ के साथ हम शिक्षा के अधिकार को जोड़ सकते हैं। तो तपस मजूमदार जो थे, इन्होंने अपनी कमिटी एक क्रिएट की, अपनी कमिटी बनाई, तपस मजूमदार समिति बनी। वो 1999 में उसने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 21 का क्लॉज ए होना चाहिए। ए मतलब इसमें देखा होगा आप लोगों ने आर्टिकल 19 जो फ्रीडम का अधिकार है हमारा, राइट टू फ्रीडम वाला है, उसमें क्लॉज ए में राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो वो क्लॉज होते हैं, तो जिस जिस तरीके से संशोधन होता है तो उसी उसी तरीके से उसे ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए उसमें से कुछ हटाना है तो उसे रिमूव कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट में पहले जो है प्रॉपर्टी का अधिकार था, मतलब हमें अपनी प्रॉपर्टी खरीद का पूरा अधिकार था, जो हमारी प्रॉपर्टी है, सबके पास प्रॉपर्टी हो ये अधिकार था। वो आर्टिकल 33 में था या 32 में था, ऐसे ही था, आई एम नॉट गेटिंग, बट वो था। तो उसको क्या हुआ कि बाद में रिमूव किया गया उस आर्टिकल को, और उसको लीगल प्रोविजन में डाल दिया गया, मतलब उसे लीगल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल से उसे हटा दिया गया। तो जो है जो ये चलती है प्रक्रियाएं हटाने की जोड़ने की, तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है। संसद में बड़ी बैठकें होती हैं, इनमें संशोधन प्रक्रिया चलती है, कैसे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो 1999 में तपस मजूमदार ने रिकमेंड किया कि हमें एक क्लॉज ए बनाकर शिक्षा के अधिकार को उसमें डाल देना चाहिए। फिर वर्ष 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में इसे शामिल किया गया, एक मतलब मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया। तो अब जब रिकमेंडेशन वगैरह बन गई सारी कि अब इसमें क्या क्या शामिल होना है, शिक्षा के अधिकार में क्या क्या आना चाहिए, फिर ये सारी जब चीज़ें हो गई तो 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, मतलब संवैधानिक संशोधन जो है 86वीं बार हुआ। तो जो 86वीं बार जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें शिक्षा के अधिकार को पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, उसमें इसे शामिल कर दिया गया। और 21 क्लॉज ए में जो है इसको ले आया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट में आएगा, हमारे राइट टू लाइफ में आएगा हमारे। इस तरीके से ये जो है ये पूरी प्रक्रिया चली शिक्षा के अधिकार का, और फाइनली 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86वीं जो संशोधन था, संवैधानिक संशोधन था 2002 में हुआ, उसमें यह कह दिया गया, उसमें जो है उस संशोधन को करके फंडामेंटल राइट में हमारे इस शिक्षा के अधिकार को डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, और ये एक तरीके से हमारा ये मूलभूत अधिकार हो गया। अब ये सबको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सभी को है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब जब शिक्षा हो गया तो मतलब ये जब फंडामेंटल राइट बन गया तो उसमें एक अधिनियम बनाया गया, अधिनियम मतलब एक्ट बनाया गया, शिक्षा के अधिकार का एक्ट, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा गया, 2009 में बनाया गया। तो इसमें जो है कुछ मुख्य बातें कही गई, मतलब शिक्षा के अधिकार के लिए एक एक्ट बनाया गया 2009 में, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये जो अधिनियम बनाया गया इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख बातें कही गई कि शिक्षा का अधिकार क्या है, इसके लिए क्या चीज़ें मना है शिक्षा में, और किस तरीके की चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, वो सारी चीजें इस एक्ट में कहा गया जो 2009 में आया। तो इसमें कहा गया कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जितने भी 6 से 14 वर्ष के पूरे इंडिया में जितने भी हैं, सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी समय सर्व शिक्षा अभियान जो आप लोगों ने सुना होगा वो शुरू हुआ स्कूल्स
में कि सभी को शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा अभियान, सभी एक ऐसा अभियान चलाया गया कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके और सभी को मुफ्त में मिले और अनिवार्य मिले, मतलब अनिवार्य रूप से मिले। तो इसमें ये प्रोविजन किया गया, प्रावधान दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, सबको शिक्षा मिलेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। फिर ये जो एक्ट था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम जो था, ये इसके 12(1) और (c) क्लॉज में कहा गया, मतलब इसके एक्ट 12 में कहा गया कि जो गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर में ग्रेड में कम से कम 25% सीटों को आरक्षित करें। मतलब कि इसमें ये कहा गया कि जितने भी ये निजी संस्थान हैं, निजी जितने विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, जो गैर अल्पसंख्यक हैं, मतलब जिन जो माइनॉरिटी नहीं है, मतलब गैर अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में नहीं है, मान लीजिए मुस्लिम में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, जो गैर अल्पसंख्यक स्कूल हैं, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि 25% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि के हैं, उनके लिए 25% की सीटें आरक्षित की जाए। तो जो ये अधिनियम है अपने क्लॉज में क्या कहता है, कहता है कि जितने भी गैर अल्पसंख्यक स्कूल्स हैं या फिर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये जो निजी स्कूल्स होते हैं, इन स्कूलों में ये प्रावधान होना चाहिए कि वो अपने यहाँ पर 25% सीटें जो हैं आरक्षित करें, रिजर्व करें उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो वंचित पृष्ठभूमि के हैं, जो गरीब हैं, तो उनके लिए 25% जो है सीटें वो रिजर्व करके रखें और उन्हें उस पर एडमिशन दें। फिर ये प्रोविजन कहता है कि यह विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान करता है। मतलब ये जो एक्ट बना 2009 में, इसने कहा कि जितने भी जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं बच्चे, उन्हें मतलब जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तो उनको क्या करना है, उस कक्षा में भर्ती कराना है उन्हें, मतलब उनको, मतलब जिस आयु के हैं वो, उस आयु से संबंधित उन्हें उस कक्षा में डालना है, उस क्लास में उन्हें डालना है। तो ये एक तरीके का ये प्रावधान चलाया इन्होंने कि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, मान लीजिए किसी की उम्र 10 साल की हो गई, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो 10 साल का है तो उस हिसाब से वो जिस क्लास में होना चाहिए उस समय, उस क्लास में उसे डालना चाहिए और ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि उसे उस क्लास में भर्ती कराया जा सके, मतलब उस क्लास में उसे डाला जा सके। ये कहता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानूनों को बना सकते हैं। तो जो ये प्रोविजन है, एक सेकेंड रुकिए, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्लास ज्वाइन करने में, कॉल कर रहा है, एक सेकेंड रुकिए। I'm so so sorry, कॉल थी पापा की हॉस्पिटल से। तो जो शिक्षा का अधिकार, जो ये अधिनियम था, तो वो कहता है कि जो शिक्षा का विषय है वो जो है सिर्फ केंद्र से संबंधित नहीं होना चाहिए या सिर्फ राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, इसको समवर्ती सूची पहले समझिए। हमारे संविधान में प्रोविजन है कि 3 सूचियां हैं,
एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीन सूचियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सूची होती है उसमें जितने भी कानून होते हैं वो केंद्र बनाता है, मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सिर्फ केंद्र ही बना सकता है, उसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है। राज्य सूची में होता है कि राज्य जो है अपने लिए कानून बनाता है, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता, केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती, राज्य जो है वो सारा कानून अपने हिसाब से बनाता है। वही जो समवर्ती सूची होती है, तीसरी सूची जो होती है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों का मिला जुला रोल होता है उसमें। तो जो शिक्षा है, शिक्षा का जो अधिकार था, तो इस पर कहा गया कि ये समवर्ती सूची का विषय है, इस पर केंद्र भी फंड कर सकता है, राज्य भी फंड कर सकता है, प्लस केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो शिक्षा के अधिकार को इस अधिनियम में कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में डाला जाए और इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सके। हालांकि इसकी बात वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो गई थी कि जो शिक्षा है वो जो है समवर्ती विषय है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, उसी बात को इस अधिकार अधिनियम में दोहराया गया। फिर इसमें यह कहा गया कि अपेक्षित प्रविष्ट और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, मतलब जो शिक्षक नियुक्त किए जाएं स्कूलों में वो अपेक्षित प्रविष्ट हो, मतलब उस अकॉर्डिंग हो, उनकी शैक्षणिक जितनी योग्यता होनी चाहिए, मतलब जो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, मान लीजिए स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, या फिर एमए, और हमें कॉलेज में टीचर बनने के लिए नेट होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए, एमए होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। तो ये जितने मानदंड हैं, योग्यता है जितने भी, ये सारी जो है उस योग्यताओं के अनुसार ही शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो इसका प्रावधान किया गया कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल में की जानी चाहिए। स्कूल का प्रबंध प्रबंध समिति द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें ये कहा गया कि जो स्कूल है उसका जो प्रबंध है, मतलब मैनेजमेंट जो है, वो उसके लिए एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई जाए और वो सारे स्कूल के मैनेजमेंट को देखे। तो इस तरीके से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसने ये सारी बातें की कि किस तरीके से शिक्षा जो है मुफ्त होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के लिए, और जितने भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% सीट्स आरक्षित होनी चाहिए, और जितने भी बच्चे हैं अगर वो अपने आयु के अनुसार शिक्षा नहीं ले सके हैं तो उन्हें उस क्लास में सीधा प्रवेश करा दिया जाना चाहिए, और ये समवर्ती का विषय, समवर्ती सूची का विषय है, तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और फंड कर सकते हैं इसको, और इसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, प्लस स्कूल का प्रबंध जो है वो प्रबंध समिति करेगा। अब देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुछ जो है निषेध बातें भी बोली गई कि क्या निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज की मनाही है। तो इस अधिनियम में कुछ ऐसे बातें कही गई हैं जिसकी मनाही है, उसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, मतलब किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, या उसे मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, मानसिक टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, या फिर उसे कोई पनिशमेंट ज़्यादा जो उसके लिए हार्मफुल हो वो नहीं दी जानी चाहिए। तो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। फिर बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मान लीजिए अमीर हैं उन्हीं के बच्चे आए या गरीब के ही बच्चे आए, उसमें बच्चे जिस मतलब इसमें बोला गया है कि सभी को अधिकार है शिक्षा का, अमीर गरीब जितने भी लाभार्थी हैं नहीं हैं, सभी को अधिकार है। तो इसलिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया इसमें नहीं चलनी चाहिए कि ये मतलब मान लीजिए कैपेबल है तो बस यही पढ़ेगा और दूसरा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। फिर प्रति व्यक्ति शुल्क, मतलब प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं होना चाहिए कि किसी से शिक्षा फ्री है 14 वर्ष तक तो उससे पैसा नहीं लेना चाहिए, शुल्क नहीं लेना चाहिए। फिर शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, निजी ट्यूशन जो है मतलब शिक्षक जो पढ़ा रहा है स्कूल में वो जो है घर पे आके ट्यूशन नहीं दे सकता है, ये नहीं कर सकता है कि वो घर पे आके पैसे लेके ट्यूशन दे, ये जो है इसमें मना किया गया।
बिना मान्यता प्राप्त के विद्यालय नहीं खुलने चाहिए। इसमें कहा गया कि जितने भी विद्यालय हैं उन सबको उन्हें मान्यता मिला होना चाहिए, उन्हें ऑथोराइज होनी चाहिए वो विद्यालय, मतलब सरकार के द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही विद्यालय जो हैं बनने चाहिए, ना कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा के लिए अगर विद्यालय कोई बनवा रहे हैं तो उसे पहले सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान होनी चाहिए, तब वो विद्यालय में पढ़ाने का उसको परमिशन होगा। तो इस तरीके से इस अधिनियम में कुछ निषेध प्रक्रियाएं हैं कि क्या क्या निषेध है, मना है। किसी को कोई शारीरिक दंड नहीं दे सकता है शिक्षक के द्वारा, या फिर शिक्षक जो है वो मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकता बच्चे का, या बच्चे की प्रवेश प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं हो सकती कि ये इसकी छटनी टाइप जो होती है कि ये छाड़ दो, इस बच्चे को नहीं लेंगे, इस बच्चे को लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। शुल्क नहीं लेना चाहिए पैसे जो हैं, और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाना चाहिए, और बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं खुलना। तो ये निषेध है इनमें। अब हम देखते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम की कुछ चुनौतियाँ। चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसके अंतर्गत में, हम वो देखते हैं। सबसे पहले कि इसके दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव होता है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो क्यों इतना प्रभावी नहीं रहा, उसके लिए कुछ कारण है, उसके लिए कुछ चुनौतियाँ थी। तो उसमें ये चुनौती सबसे बड़ी है कि जो शिक्षा का जो दिशा निर्देश दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और उसके अंदर जो प्रोविज़न बनाए गए, ये सारे जो अधिकार अधिनियम में भी हमने प्रोविज़न पढ़े सारी चीज़ें कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इन सारे दिशा निर्देशों के बारे में जो है कुछ पेरेंट्स को पता नहीं होता है। उन बच्चों को, वो अपने बच्चों को जो है स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा पाते हैं इसके कारण, क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो उसमें डलवाएं स्कूल में, क्या प्रोसीजर है, क्या एक तरीके से जो है किस प्रक्रिया के द्वारा अपने बच्चों को स्कूल में डलवाएं, वो उन्हें पता नहीं होता। ये विशेषकर हम गाँव के उसमें देखते हैं कि कुछ गाँव में जो होता है वो वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता, उन पेरेंट्स को पता नहीं होता कि जो है अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कैसे दिलवाएं। उनको यही लगता है कि शायद स्कूल में जाने से उनके बच्चे शायद पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए यूनिफॉर्म के पैसे देने पड़ेंगे, या फिर जो है ये सारी बुक्स वगैरह के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें सोच के वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, जबकि इस अधिनियम में सारी चीज़ें जो है मुफ्त हैं। बच्चों का यूनिफॉर्म से लेके 1 से 8 तक के क्लासेस का फ्री हो चुका है, कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में आप लोग देखेंगे तो दोपहर का भोजन भी मिलता है, मिड डे मील जिसे कहते हैं, वो भी मुफ्त है, और बच्चों की यूनिफॉर्म मुफ्त है, और उनके लिए बुक्स वगैरह स्कूल से प्रोवाइड की जाती हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो स्कूल देता है, बस बच्चों को वहाँ पे जाके नाम लिखाना होता है, पढ़ना होता है। बट बहुत से पेरेंट्स इस बात को नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो अपने स्कूल्स में बच्चों को दाखिला नहीं दिलवा पाते हैं। फिर अनेक विद्यालय ये मानते हैं कि RTE के अंतर्गत, मतलब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम में गिरावट आएगी। तो कई बार क्या होता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी हमने देखा कि जो निजी विद्यालय हैं वो क्या है, उनमें 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित होती हैं, वो रिजर्व होती हैं उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बट ये विद्यालय कई बार क्या होता है कि ये मानते हैं कि जब गरीब बच्चे आएंगे या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आएंगे तो उससे जो है इनके परिणामों में गिरावट आएगी। मतलब इनका जो बड़ा शो है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे टॉप करते हैं, या हमारे यहाँ से हम इतने बच्चे 10th में इतने मार्क्स लेके आए, तो ये मानते हैं कि जब गरीब बच्चा आएगा तो हो सकता है वो इतना ना पढ़े और हमारा जो रैंकिंग है वो गिर जाए, हमारा जो परिणाम सबसे ऊपर रहता है वो गिर जाए। तो इस डर से जो है ये विद्यालय जो 25% सीट्स जो आरक्षित होती हैं उन पर भी कई बार होता है, देखा जाता है, धांधली हो जाती है, उसमें भी सामान्य लोगों के ही लोग जाते हैं, जबकि जिन्हें आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग होता है वो नहीं जा पाता है वहाँ पर। तो ये जो है ये विद्यालयों ने धारणा बना ली है अपनी कि राइट टू एजुकेशन के तहत अगर गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया तो उनके परिणाम में गिरावट आ जाएगी। फिर सरकार जो है स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती, जिसके कारण स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है। तो कई बार देखा जाता है कि जो सरकार होती है वो
स्कूलों को समय पर राशि नहीं देती है, जिसके कारण वो अपने स्कूलों का जो क्षति हुआ होता है उसको वो पूरा कर सके। तो कई बार होता है कि प्रशासन जो सरकार है वो देरी करती है उसको राशि देने में, मतलब पैसे देने में, जिसके कारण जो स्कूल प्रशासन होता है वो बच्चों को, इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है। मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों को वो स्कूल में प्रवेश देने से आनाकानी करते हैं। उनको लगता है कि इनको हम प्रवेश देंगे तो इनसे हमारा जो है घाटा होगा, हमें उतना पैसा इनसे नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए उनको वो प्रवेश देने से आनाकानी करने लग जाते हैं, उनको मना करने लग जाते हैं। फिर इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान नहीं है। हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, इसका जो एग्जीक्यूशन है उसके होने के बाद जब जो शिकायतें होती हैं जो जनता में, वो शिकायत के लिए कोई ऐसा निवारण तंत्र नहीं बनाया गया है जिससे जो है ये सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी चुनौतियाँ, इन सारी चीज़ों की शिकायतें जो हैं वो जाके सीधा जनता करा सके या बच्चे जाके बोल सके, तो ऐसा कोई निवारण तंत्र नहीं बनाया गया है। तो इस अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई मजबूत निवारण तंत्र नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में धन की कमी, ये मुख्य चुनौती मानी जाती है। जब सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया पूरे भारत में कि सभी पढ़े सभी बढ़े और सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें जब लागू की गई उस समय तो बड़ा जोर शोर से किया गया, बट धीरे धीरे जो है इसमें सरकार हाथ खींचती चली गई और धन की कमी होती गई। तो एक तरीके से इसमें धन की कमी सदैव से है, विद्यमान है और अभी भी देखी जाती है। तो ये धन की कमी जो है इसकी मुख्य चुनौतियाँ हैं। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये सारी जो है चुनौतियाँ हैं और ये मुख्य चुनौतियाँ मानी जाती हैं। अब हम आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे बना। सबसे पहले 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया था भारत में। भारत में जो है सबसे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया 2005 में। तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद जब 2005 में ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना, उसके बाद 2013 में नेशनल अर्बन मिशन बना, मतलब शहरों के लिए बना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गांवों के लिए बना और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो था वो 2013 में शहरों के लिए बना। बट उसके बाद ही सरकार ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग बनाने के बजाय एक ऐसा बना दे कि दोनों को मिला के राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक मिशन बना देते हैं। तो इन्होंने, सरकार ने क्या किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, NRHM जिसे कहते हैं, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को, NUHM को मर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया। और 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसको लागू किया पूरे राष्ट्र में, हमारे भारत में। तो इस तरीके से ये एक पूरी प्रक्रिया रही कि जो 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन आया। पर भारत में सबसे पहला मिशन जो था वो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब ग्रामीण स्तर पर बनाया गया था 2005 में। तो ये बेसिकली आज इसका पार्ट ज़्यादा रहेगा। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन तो जैसे ही बना वैसे ही मर्ज हो गया उसके साथ में, तो ये थोड़ा कम रहेगा और नेशनल हेल्थ मिशन फिर हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2013 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इसमें जो है NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये जो दो उप मिशन थे इनको समाविष्ट करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब नेशनल हेल्थ मिशन को लाया गया। फिर अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जो है वो 2005 में लाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत में लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत के जो लोग थे उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। वही जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था वो 1 मई 2013 को आया भारत में। फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शहरी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना था। अब हम इन दोनों मिशन को एक एक करके समझेंगे, फिर हम स्वास्थ्य मिशन को समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM समझ लेते हैं। तो NRHM केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। तो इसे केंद्र सरकार ने 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को शुरू किया।
इसमें क्या था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किए जाने वाले सुधारों की दिशा में इसके ढांचे को जुलाई 2006 में मंजूरी दी गई। मतलब 2005 में ये शुरू किया गया ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और 2006 में इसे मंजूरी दिया गया, फाइनल इसको फाइनल एक तरीके से इस पॉलिसी को लागू किया गया। तो मतलब क्यों स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए 2006 में इसे लागू किया गया। इस मिशन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, लक्षण देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं हम इसकी। ये ग्रामीण, ये जो है राज्यों को ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के लिए भौतिक संरचना, मानव संसाधन, उपकरणों, आपातकालीन परिवहन सेवा, औषधियों, निदान और अन्य के माध्यम से सहयोग देता है। तो जो ये एनआरएचएम था, जिसका इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि ये राज्यों को सेवा प्रदान करता है, सहयोग देता है कि वो अपने जो ग्रामीण इलाके हैं, जो राज्य के ग्रामीण इलाके हैं, उन वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको वो सुदृढ़ कर सकें। उसके लिए जो एनआरएचएम था वो बहुत सारी चीजें जो है प्रदान कर कुछ सहयोग देता था, लाइक भौतिक संरचना, मानव संसाधन रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, और कुछ उपकरण, और आपातकालीन परिवहन सेवा, औषधियाँ। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनआरएचएम जो है स्टेट को प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपने ग्रामीण इलाकों के जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करिए इन सारे संसाधनों के माध्यम से। तो ये एनआरएचएम का प्रमुख लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि एचआईवी, एड्स, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रम इसमें शामिल है। मतलब इसके अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी शामिल हैं, बट इसमें एचआईवी, एड्स, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर ये तीन चीजें हैं जो नहीं शामिल है, क्योंकि ये बड़े लेवल की बीमारियां होती हैं, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाद में इसमें मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज बनाई गई जिसमें जो है इनको भी शामिल किया गया, पर शुरू में इसमें शामिल नहीं था ये। तो फिर इसके बाद इन सारी चीजों को जब शामिल कर लिया गया तो इसके इन सभी के साथ साथ जितने भी और स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं थी उन सभी को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। फिर हम देखते हैं कि मानसिक एड्स, सॉरी एचआईवी, एड्स, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर के अलावा भी और भी जितनी बीमारियां थी उन सभी कार्यक्रमों को इसमें शामिल कर लिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। फिर ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता कमेटी से लेकर जिला अस्पतालों तक सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को पैसे ये प्रोवाइड करता है। तो जो ये एनआरएचएम है वो क्या करता है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य है और स्वच्छता कमेटी है, मतलब ग्राम लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे ये कमेटी बनाई जाती है ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता कमेटी के नाम से, और जिला अस्पताल जितने भी हैं वहाँ के उस राज्य के उन सभी तक जो है ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसे प्रोवाइड करता है एनआरएचएम। फिर प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक सेवा आशा का प्रावधान करता है। तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं राज्य के वहां पर ये एक आशा आशा नाम का जो सामुदायिक सेवा है, आशा आप लोगों ने सुना होगा, जो महिलाएं एक आशा जो है वो अभी इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्या करती है बेसिकली, आशा जो है ये सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है, इसमें जो है कुछ फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जब पूरे ग्रामीण पर जिस ग्रामीण में एक आशा का नियुक्ति करा जाता है, एक आशा कमेटी बनाई जाती है ताकि जो अपने ग्रामीण इलाके में जितनी भी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर कोई शिशु है जिसे बच्चा कहते हैं वो है, इन सारी बच्चों का ध्यान या उन प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान ये आशा वर्कर्स रखते हैं। आशा में कुछ वर्कर्स शामिल होते हैं जो इन सब सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ये जो एनआरएचएम है वो इस चीज का प्रावधान करता है कि प्रत्येक गाँव में एक सामुदायिक सेवा आशा के नाम से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एनआरएचएम के घटक, घटक मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो एनआरएचएम में इसके कंपोनेंट में मतलब बड़े सारे लेवल डिवाइड हैं। तो सबसे पहला लेवल जो इनका है वो है ग्रामीण स्तर का लेवल, मतलब गांव का इलाका। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी, मतलब ग्रामीण स्तर पर ये सारी चीजें होती हैं। आशा के वर्कर्स शामिल होते हैं उसमें, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी होती है। तो गांव के लेवल पे ये सारी चीजें सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाती है।
बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है अभी, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी आपको दिख रही है जो जो डायरेक्ट जो है जिससे हम अपने स्वास्थ्य का समस्याओं को दूर कर सकें। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसे कोई समस्या हो रही है, तो आशा वर्कर जो होते हैं वो जाते हैं उनके पास और उनकी मदद करते हैं। या शिशु है कोई, उसको कोई समस्या हो रही है, तो वहाँ आंगनवाड़ी से कोई जाता है या कमिटी जो है ये वहाँ से जाते हैं। तो ये जो है ग्रामीण स्तर पे ये सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं जो काम करती हैं, एक आशा, एक आंगनवाड़ी और एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता कमेटी। तो ये पहला स्तर हो गया इनका। फिर दूसरा स्तर होता है ग्राम पंचायत स्तर। ग्राम पंचायत स्तर में क्या होता है कि 4 से 5 गांवों को मिलाकर एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाया जाता है। तो 4-5 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है और उसमें एक सेंटर बनाया जाता है जो हेल्थ और वेलनेस मतलब स्वास्थ्य और वेलनेस मतलब हमारी सुरक्षा से संबंधित सेंटर बनाया जाता है, जिसमें जो समस्याएं होते हैं इन 4-5 गांवों के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो इस सेंटर में जाके अपना हल करा सकते हैं उन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हॉस्पिटल्स नहीं है, बट ये सिर्फ सेंटर है, सेंटर पे जाके ये समस्याएं बता सकते हैं, बट यहाँ जो है वो अभी भी यहाँ पर देखा नहीं आपको कि हॉस्पिटल्स हैं। फिर तीसरा लेवल जो है वो 4 से 5 ग्राम पंचायतों का समूह। पहला ग्रामीण स्तर था, फिर दूसरा जो है 4 से 5 गांव मिले तो एक ग्राम पंचायत बना और उसमें वेलनेस सेंटर बनाया गया, और तीसरा आप देखिए 4 से 5 ग्राम पंचायतों का समूह मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये समूह बनता है 4 से 5 ग्राम पंचायतों का, वहां पर क्या है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अब यहाँ पे हेल्थ सेंटर आया हमारा, तीन स्टाफ नर्सेज होती हैं, तीन स्टाफ नर्स होंगी वहाँ पे, एम्बुलेंस होगी वहाँ पे और 24/7 सेवाएं उपलब्ध होंगी। टीबी मलेरिया इत्यादि जैसे जो रोग हैं उनका जो है परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, उससे पहले ये ग्रामीण स्तर पे नहीं था, ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं था। जब 4-5 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बना, एक समूह बना, तो वहाँ पर जो है ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, तीन स्टाफ नर्स की, एम्बुलेंस की और 24/7 सेवाएं की, और कुछ जो टेस्ट कराना है लोगों को, मान लीजिए टीबी मलेरिया वगैरह का, तो वो यहाँ पर आके करा सकते हैं। फिर चौथा लेवल है ब्लॉक स्तर, मतलब ब्लॉक लेवल पे जो है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। यहाँ पे डिस्पेंसरी होती है, डिस्पेंसरी जो है आप लोग जानते होंगे जो सरकारी डिस्पेंसरीज होती हैं, तो यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाई जाती है। उसमें 7 जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, 9 स्टाफ नर्स होती हैं और 24/7 सेवाएं उसमें होती हैं, सर्जरी होती है, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। तो एक तरीके से ये पूरा लेवल होता है NRHM के अंतर्गत कि किस तरीके से डिवाइड है, ग्रामीण स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर है, फिर 4 से 5 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर है, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर है। तो ये ब्लॉक स्तर पे जाके वो सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो किसी भी ग्रामीण इलाके में अगर किसी को समस्या है तो वो जो है यहाँ से अपना ब्लॉक स्तर पे आके सारी सेवाएं उपलब्ध हैं उसे, और वो उनका फायदा ले सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। शहरी स्वास्थ्य मिशन में ये जो है NUHM जिसे कहते हैं, ये जो अपने अंतर्गत उन्हीं शहरों को शामिल करता है, उन्हीं राज्यों को शामिल करता है या उन्हीं जनपदों को शामिल करता है जिसमें 50,000 से कम जनसंख्या होती है। मतलब ऐसे शहर को ये चुनता है जहाँ पर 50,000 से कम जनसंख्या है। दिल्ली जैसे शहरों को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन नहीं आ सकता, दिल्ली जैसे शहरों में, यहाँ पे लाखों लाखों में जनसंख्या है, यहाँ पे देखिए 80 लाख 90 लाख करोड़ों में है। तो ये जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है ये ऐसे जनसंख्या वाले शहर को चुनता है जहाँ पे 50,000 से कम जनसंख्या रहती है। फिर इसका मुख्य केंद्र कहाँ रहता है, शहरी क्षेत्रों में जो वंचित समुदाय होते हैं उन पर ये ध्यान केंद्रित करता है। और यहाँ पर भी आशा होती है, आशा का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब ये आशा में वर्कर्स होती हैं कुछ, और लिंक वर्कर्स होते हैं यहाँ पर जो 200 से 500 घरों के लिए होते हैं, और महिला आरोग्य समिति होती है एक जो 50 से 100 घरों के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आशा, लिंक वर्कर और महिला आरोग्य समिति जैसी कुछ कमिटीज होती हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं जो घरों के लिए मतलब वहाँ के परिवारों के लिए कार्य करते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें केंद्र राज्य वित्त पोषण दोनों करता है, तो 75 केंद्र करता है और 25 राज्य करता है। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों वाले इलाकों में देखें तो 90% केंद्र करता है और 10% राज्य करता है, क्योंकि राज्य की स्थिति वहाँ कमजोर होती है थोड़ी, तो 90% जो है वो केंद्र करता है वित्त पोषण जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इस तरीके से NUHM रहा ये, हालांकि 2013 में आया बट तुरंत ही इसको मर्ज कर लिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में। अब हम आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, अब इन दोनों को पढ़ने के बाद हमने देखा कि ये दोनों किस तरीके से कार्य करते हैं। अब इन दोनों को मर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया 2013 में। इस कार्यक्रम में मुख्य जो घटक है वो, इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रजनन, प्रजनन मतलब जनन करना, मतलब जन्मना बच्चे को, मात्र, नवजात शिशु, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य व संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों के लिए ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है। तो जो इसका घटक है, मतलब इसका कंपोनेंट क्या है कि जितने भी प्रजनन है, मातृ है, मातृ मतलब माताएं हैं, नवजात शिशु हैं, बाल शिशु हैं, किशोरावस्था के शिशु हैं या किशोरावस्था के बालक वर्ग हैं, या कोई संक्रामक है या गैर संक्रामक रोग है, तो उसके लिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाया जाए, ये एक इसका लक्ष्य भी कहा जाता है। फिर NHM का लक्ष्य है न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये ध्यान रखे कि सभी तक पहुंच हो, इसका लक्ष्य इसका न्यायसंगत होना चाहिए, सस्ता और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं इसे प्रदान करना चाहिए जनता के लिए, और ये सुनिश्चित करें कि सभी जो है इस सुविधाओं का फायदा उठा सकें। फिर इसके हम कुछ लक्ष्य देख लेते हैं NHM के। ये जीवित जन्म में मातृत्व मृत्यु दर को 1000 से 1 के स्तर पे ले आना चाहता है, मतलब 1 बटा 1001 के स्तर पे ले आना। इसको ऐसे समझिए कि जो जीवित जन्म में मातृत्व मृत्यु दर है, मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चे जन्मने के बाद उसकी कई बार डेथ हो जाती है, तो ये मृत्यु दर होती है, तो जब डेथ हो जाती है उसकी, तो इसमें कमी लाना है। इसका एक लक्ष्य है कि जो पर ईयर हम देखते हैं कि 1000 या कई 2000 जो है माताएं मर जाती हैं बच्चा जन्मने के बाद, तो उसमें जो है कमी ले आना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब जीवन जन्म में मातृत्व मृत्यु दर को 1% ले आने, मतलब एक एकात ऐसा केस आए, बाकी ऐसा कुछ नहीं लाना चाहिए, तो ये उसमें कमी ले आने का इसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है जीवित जन्म में शिशु मृत्यु दर को 25 बटा 1000 के स्तर पे ले आने है। मतलब कि जो शिशु है कई होते हैं कि जन्मने के तुरंत बाद मर जाते हैं, तो उन शिशु को अगर साल भर में 1000 मर रहे हैं तो उसे 25 पर ले आने, 25 शिशु पर ले आने हैं। तो ये इनका मुख्य लक्ष्य है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, कुल प्रजनन दर को कम करके 2.1 पर ले आना है। फिर 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया जो रोग है उसकी रोकथाम करना है और उन पर नियंत्रण करना है। फिर संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों से मृत्यु और मृत्यु दर तथा चोट एवं उभरते रोगों की रोकथाम करना, मतलब जो रोगों से लोग मर रहे हैं, संक्रामक से या गैर संक्रामक रोगों से मृत्यु हो रही है उस पर रोकथाम करना, उस पर नियंत्रण करना। TB के वार्षिक मामलों एवं मृत्यु दर को घटाकर आधा करना। TB जो एक मुख्य माना जाता है भारत में, बहुत बड़ी बीमारी है TB, तो इसको कम करके इसकी मृत्यु दर को आधा करना, TB से मरने वालों की संख्या को आधा करना इसका मुख्य लक्ष्य है। मलेरिया के वार्षिक मामलों को कम करना, तो ये सारी इसके लक्ष्य हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माने जाते हैं। तो ये हम आज ने हमने दो पॉलिसीज की, राइट टू एजुकेशन और नेशनल हेल्थ मिशन। अब आप लोगों के क्वेश्चंस, टाइम तो वैसे ओवर हो गया है आज, बहुत बड़ी क्लास हो गई, बाकी क्वेश्चंस अगर ऑन हो तो कर सकते हैं, माइक अगर ओपन हो रहा हो तो देख लीजिए, म्यूट हो, अनम्यूट हो रहा है।
माइक अनम्यूट हो रहा है किसी का? मैम अगर आप इधर हो तो माइक अनम्यूट कर लीजिए बच्चों का प्लीज। नहीं हो रहा किसी का भी? चलिए कोई बात नहीं, लग रहा कोई है नहीं। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। हाँ अदरवाइज मेरी भी आज एक 5 बजे मीटिंग है तो मैं भी लेट होना नहीं चाह रही हूँ। उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, PhD की मीटिंग है तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की जो क्वेरीज हैं तब तक व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं PDF अभी सेंड कर दे रही हूँ PPT की, और फिर उसके बाद ठीक है। थैंक यू सो मच।